चैनल आई एम छवि। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ DIYs जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा DIYs बनाना करना आता नहीं है, लेकिन जो मैं यूज करती हूँ वो मेरे परफेक्ट और रेगुलर है, जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। और कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, कुछ मेरी एंजल्स है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि DIYs शेयर कीजिए। तो जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे लगता है कि इफेक्टिव है, मेरी स्किन पे इफेक्ट करते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं कुछ यहाँ से उठा के शेयर नहीं करने वाली हूँ। जो मुझे आता है या जो मुझे लगता है कि इफेक्टिव है, मैं वही यूज करूंगी और वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक DIY है जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ। ऑलवेज मेरे पास होता है, मेरे वॉशरूम में ऑलवेज एक कैन रहता है जिसमें वो मिक्सचर जो है वो बना के रखती हूँ। वो एक फेस पैक की तरह है जिससे मेरी स्किन जो है वो ड्राई पैचेस से बच जाती है और मेरी स्किन में फेयरनेस जो है वो आती है। स्किन को गोरा करने में हेल्प करता है, प्लस मेरी स्किन पे अगर कुछ हीलिंग प्रोसेस चाहिए तो वो हीलिंग में भी बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे बनाना कैसे है। उसके लिए आपको 2-4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको घर पर बहुत आसानी से मिलने वाले हैं। सब कुछ नहीं, आपको बाजार से नहीं लाना पड़ेगा, सब कुछ आपको घर पे ही मिलेगा। और चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसे बनाना कैसे है। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर, और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब एक बार हो जाए उसके बाद वो ग्रे कलर का हो जाता है, जो मैं बार बार बताती हूँ, आपको बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इस मास्क को बनाना कैसे है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन, जो घर पर अवेलेबल होता है। थोड़ा सा आपको बेसन ले लेना है, आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना बेसन ले लीजिए। एंड इस तरह से मैं थोड़ा सा बना रही हूँ आपके सामने, आप देख सकते हैं मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं बेसन के। टीस्पून लिया है एक्चुअली, मैंने 3 टीस्पून लिए हैं। एंड 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी का, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल है, जो पैकेट्स में मिलती है वो हल्दी नहीं है, ये खुद बनवाई हुई हल्दी है। इस तरह से आपको इसे ले लेना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। 3 टेबलस्पून में 1 टेबलस्पून हल्दी मैंने मिक्स किया है। तो जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का मिक्सचर जो है वो बन जाएगा। आप अच्छे से इसको देख लीजिए, इसी तरह का आपका मिक्सचर जो है वो बनना चाहिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा टर्मरिक और भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको उतना ही करना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और हो सकता है तो आप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे एक डब्बे में बंद करके, तो एक कंटेनर मैंने ले लिया है, इसको मैंने बंद करके रख लेती हूँ अपने पास। तो जब आप अपने वॉशरूम में हैं, जब आप फ्रेश हो रहे हैं, तो आप इसे अपने पाम पर भी ले सकते हैं थोड़ा सा, और उसे अपने पाम पर ही बना करके अच्छे से अपने फेस को एज अ फेस वॉश आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप घर पे हैं तो आप इसको नॉर्मली कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप घर पे हैं। तो इसको आपको हफ्ते में 2-3 बार करना होता है, ज्यादा नहीं करना होता है, रोज रोज नहीं करना है, हफ्ते में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 बार आप कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लग रही है। तो चलिए मैंने इसको थोड़ा सा अपने बाउल में इस तरह से मैंने ले लिया है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही, जो सबके घर में होता है। अगर आपके पास दही नहीं है या फिर आप दही से एलर्जिक हैं, अगर आपको दही इस्तेमाल नहीं करना है तो आप दूध के ऊपर जो मलाई आती है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दही और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों में से किसी एक में प्रॉब्लम है, जिसको मलाई से प्रॉब्लम है वो दही यूज कर सकता है, जिसको दही से प्रॉब्लम है वो मलाई यूज कर सकता है। तो मैंने इसको लगभग 2 चम्मच मैंने लिया है और इसको मैं मिक्स कर लूंगी, और आपको उतना लेना है जितना कि वो आपके मिक्सचर को एक डेंस मिक्सचर में बदल दे। तो इस तरह से आपको इस्तेमाल कर लेना है, ये देखिए कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखनी है आपको। ये जस्ट लाइक एक उपटन है जो बहुत अच्छा फेस के ऊपर एक्ट करता है, क्योंकि इसमें टर्मरिक है तो फेयरनेस में बहुत हेल्प करता है। अब आपको क्या करना है, ये जब इस तरह का गाढ़ा हो जाए तो इसमें आपको उससे ज्यादा दही ऐड नहीं करना है, आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, या फिर आप दूध भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा हैवी बनाना पसंद नहीं करती, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ और इसको मैं दोबारा से मिक्स कर लूंगी ताकि ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए कि आप इसको आराम से यूज कर सकें। और इस पाउडर को आप बना करके अपने पास ऑलवेज रख सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होता है, अनलेस कि इसमें पानी नहीं गिरना चाहिए और आपके गंदे हाथ जो है उसमें नहीं आने चाहिए। आपको जब भी उसे निकालना है तो प्लीज चम्मच से निकालिए ताकि उसमें कुछ भी ऐसा डर्टी जो प्रोडक्ट है वो ना जाए। तो इस तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बना लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, इसको आपके अपने फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर लेना है। दही की वजह से ये आपके फेस पे ड्राइनेस नहीं करेगा, क्योंकि बेसन जो होता है वो थोड़ा ड्राइनेस करता है आपके फेस के ऊपर, और अगर आप दही अप्लाई कर लेंगे
दही और मलाई यूज कर लेंगे तो ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको लगा लेना है आपके फेस के ऊपर इसको। इस मिक्सचर को बनाकर भी अगर आप एक से दो दिन के लिए, दो से तीन दिन मैक्सिमम आप फ्रिज में रख देंगे तो ये खराब नहीं होगा, लेकिन मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप यूज कर रहे हैं तो फ्रेश ही बनाएं। तो इस तरह से आपको अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है। सो अभी मैंने इसको अप्लाई कर लिया अपने फेस के ऊपर, तो ये थोड़ा बच गया है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ढक के, और इसको मैं दो से तीन दिन के लिए यूज कर सकती हूँ। और आपके आप ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फेस पर इस्तेमाल करना, आप इसको अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है। और मैं अपने हाथों पर इसे मोस्टली अप्लाई करती हूँ, अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि सारा सामान गंदा हो जाएगा। मैं इसे अपने हाथों पर लगा लेती हूँ इस तरह से, अपनी फिंगर्स को लगाकर इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा मालिश कर लेती हूँ, तो उसे मेरी स्किन जो है वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि उसमें दही है, टर्मरिक की वजह से वो फेयर हो जाती है और बेसन की वजह से उसमें काफी अच्छी सी स्मूथनेस और सिल्कीनेस आ जाती है। सो गाइज, इसको हो गए हैं 5 मिनट, अगर आप ज्यादा भी रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। अगर आपका मिक्सचर जो है, आपका फेस पैक जो है वो ज्यादा सूख गया है, तो आपको क्या करना है, पानी ले लीजिए, उसमें अपनी फिंगर्स को इस तरह से डिप कर लीजिए ताकि वो गीली हो जाए दोनों, और फिर आपको इस तरह से इसे राउंड मोशन में धीरे धीरे घुमाना है, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा कि आपके पोर्स जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। नोज पर कर लें इस तरह से, इस हिस्से में, धीरे धीरे आपको करना है। बहुत ज्यादा हार्श हैंड्स यूज नहीं कर रहे हैं फेस के ऊपर, बहुत प्यार से कीजिए, आपकी स्किन सबसे इम्पोर्टेंट है सबके लिए, तो इसे बहुत प्यार से ट्रीट करना है आपको इस तरह से। जब तक मैं रब कर रही हूँ, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मेरी बैकग्राउंड, मेरी जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, तो आई एम सो सॉरी गाइज, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मैं जहाँ रह रही हूँ वो एक रेंट होम है, और आई होप कि ये बहुत जल्दी बदल जाए, और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। मैं बस विश करूंगी कि मैं बहुत जल्दी इसको चेंज कर लूँ और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। मैं सिर्फ आपका सपोर्ट चाहती हूँ, बहुत सारा सपोर्ट चाहती हूँ, जिससे मैं जल्दी से जल्दी इसको चेंज कर सकूँ, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे जल्दी चेंज करूँ, लेकिन जब तक नहीं होता है, आई होप आप मेरे कॉन्टेंट पर ज्यादा ध्यान देंगे ना कि इस बैकग्राउंड के ऊपर। अगर आपको कोई अच्छी चीज बता रहा है तो आई थिंक मैं उसका बैकग्राउंड कभी नहीं देखूंगी कि उसके पीछे क्या है, उसके आसपास कितनी अच्छी लाइटनिंग है और कितना अच्छा फर्नीचर है और चमकीला बैकग्राउंड लगा हुआ है, नहीं, मैं इसकी बातों पर ध्यान दूंगी ऑलवेज, और मैंने हमेशा से यही किया है। मैंने हमेशा वो वीडियोस देखी हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, और मैंने कभी नहीं देखा है कि उसका बैकग्राउंड चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। तो आई होप, मैं आपसे उम्मीद यही रखती हूँ कि आप लोग बैकग्राउंड पर ध्यान ना देकर मेरे कंटेंट पर ध्यान देंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी इस बैकग्राउंड को अच्छा करने की कोशिश करूं बहुत जल्दी। तो आई नीड योर हेल्प और आई नीड गॉड्स हेल्प, सो जल्दी से जल्दी चेंज करना कोशिश करूंगी। प्लस मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड शायद कर दिया है इस बारे में कि मैंने करवा चौथ ब्लॉग जो था वो क्यों पहना था, क्यों दोबारा अपलोड किया, क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से वो वीडियो जो था वो मोनेटाइज नहीं हो पा रहा था, तो इसी वजह से मैंने उसको हटा करके दोबारा से उसे अपलोड किया है। अगर आप चेकआउट करेंगे तो पुराना वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं है मैं कुछ डबल इनकम करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मैसेजेस आए हैं मुझे कि आप डबल करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, चेकआउट कीजिएगा। पुराना वीडियो जो है वो मैं डिलीट कर चुकी हूँ और नया मैंने अपलोड किया है। तो इस तरह से जैसे मैं धीरे धीरे मसाज कर रही हूँ, आपको धीरे धीरे से मसाज करते हुए थोड़ी देर मसाज करके आपको 2 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर अपने फेस को धो लेना है। तो मैं अपने फेस को धो करके आपसे दोबारा आके मिलती हूँ, और फिर देखिएगा मेरे फेस पर किस तरह का ग्लो दिखता है। सो गाइस, मैंने इसको वॉश कर लिया है अच्छे से, आपको भी इस तरह से डैबिंग मोशन में साफ कर लेना है अपने फेस को। और हो सकता है कि आपका फेस थोड़ा बहुत येलो हो क्योंकि उसमें टर्मरिक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप उसी वक्त फेस वॉश करने की बजाय अगर आप थोड़ी देर रुककर फेस वॉश करेंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। हो सकता है इस वक्त मेरा फेस भी आपको थोड़ा सा पेल लग रहा हो, पीला लग रहा हो, क्योंकि वो टर्मरिक के कलर की वजह से होता है, क्योंकि ये टर्मरिक जो है
वो नॉर्मल नहीं है, वो ऑर्गेनिक है, रियल वाली है, खुद पिसवाई हुई है, तो इसलिए इसमें कलर जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है और इसमें असर भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी आप थोड़ी देर रुक करके अपना फेस वॉश कर सकते हैं जैसे कि मैं करूंगी, लेकिन आप ग्लो देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर। इसको लगाते ही मेरा फेस इतना सॉफ्ट हो गया है, कांट इमेजिन। और ट्राई जरूर कीजिएगा, हफ्ते में 3 बार करना है, ज्यादा नहीं करना है, 1 हफ्ता इसे यूज कीजिएगा और फिर आकर के कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।